नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। डेली डायरी में खबर राजनीतिक गलियारे से है। यूपी में सियासी पारा चरम पर है और इस सियासी पारे की गर्मी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तमाम सियासी दलों के दिग्गज। और इसी कड़ी में सियासी पारे को चढ़ाने के लिए आजम खान का एक बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 131 करोड़ का बादशाह है, रावण जलाने लखनऊ जाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। अब आजम खान का ये बयान क्या रंग दिखाता है ये तो 11 मार्च को पता चल ही जाएगा।